दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि जिस आपके घर में यदि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी तस्वीर अगर आपने लगाई हुई है, तो इनको आज ही आप हटा दें। क्योंकि हम जिस एनर्जी में रहते हैं, जो चीजें हम ज्यादा देखते हैं या जो चीजें हम ज्यादा बोलते हैं, जो चीजें हम ज्यादा सोचते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में होने लग जाती हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनको हम अक्सर देखते रहते हैं, हमें उनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हम घर में ला करके सिर्फ शो पीस में कि घर में अच्छी लग रही है इसलिए लगा देते हैं, लेकिन उस चीज का वास्तु दोष लग जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में किस दिशा में कौन सी तस्वीर लगानी है, अगर ये करते हैं आप, तो बहुत सारी परेशानियां जो बिना वजह के आप लोगों की जिंदगी में आती हैं, वो आना बंद हो जाएंगी। क्योंकि हम जिस एनर्जी में रहते हैं, जैसे कि बाहर प्रकृति का एक पर्यावरण होता है, एक ब्रह्मांड होता है, वैसे ही हमारा जो घर होता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये हमारा ब्रह्मांड होता है। हम जो भी एनर्जी इस पे क्रिएट करते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में होने लगती हैं। अगर हम गलत चीजें गलत जगह में लगाएंगे, तो हमारी जिंदगी में हमेशा सब उल्टा ही होगा। सही चीजें लगाएंगे तो सब अच्छा होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा कि कौन सी तस्वीर आपको कहां लगानी है, और इसका आपको रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ही कम समय में दिखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप करेंगे कोई भी काम घर में, तो घर में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ही होगा आपके साथ में। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि कौन सी चीजें कहां लगानी है, क्या चीजें लगानी है, क्या चीजें नहीं लगानी है, उसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लाके लगा देते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, मैं तस्वीर सबसे पहले आपको कौन सी तस्वीर कहां लगानी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की, जो गाय में टिके हुए हैं और एक पैर टेक करके बांसुरी बजा रहे हैं। ये तस्वीर जो दोस्तों होती है, ये अगर अपने ड्राइंग रूम में या फिर आप अपने पूजा घर में लगाते हैं, तो ये तस्वीर जो होती है पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर आपका सौभाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, और धन के ये तस्वीर धन के मार्ग को खोलती है। तो आपको ऐसी तस्वीर जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, साथ में गाय में टिके हुए हैं और एक पैर टेक करके खड़े हुए हैं, इस फोटो को आप अपने ड्राइंग रूम में या फिर अपने पूजा स्थान में लगाइए। जो भी धन से संबंधित परेशानियां होंगी, या आपका भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, सौभाग्य जागृत नहीं है, तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं राम दरबार की। अगर आपके घर में हमेशा कलह रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो परिवार जहां आपका परिवार जिस समय हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय जहां गुजारता है, जहां पर पूरा परिवार एकत्र होकर के ज्यादा समय गुजारता है, वहां पर राम दरबार की एक फोटो लगा दीजिए। कैसी फोटो लगाना है ये आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा, मैं पूरी फोटो आपको दिखाऊंगा कि कैसी फोटो आपको किस जगह लगानी है। तो ये राम दरबार की फोटो आपको अपने जहां पर सभी सदस्य आपके बैठ करके ज्यादा समय गुजारते हैं, वहां पर लगाइए। इससे परिवार में शांति रहेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे, प्यार हमेशा बना रहेगा। अब एक तस्वीर होती है दोस्तों, जो सात घोड़े समुद्र के किनारे एक साथ दौड़ रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई बिजनेस है, आपका व्यापार है, तो इस तस्वीर को आप, लेकिन दोस्तों याद रहे कि सात घोड़े समुद्र के किनारे दौड़ रहे हो, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, काफी लोगों को वीडियो नहीं मिला है, तो मैं इसकी जानकारी फिर से दे रहा हूं। आप चैनल पर चेकआउट करेंगे तो इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के चेकआउट करें चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको सात घोड़े एक साथ समुद्र के किनारे दौड़ रहे हो, इसको आपको यदि अपने बिजनेस में पूर्व दिशा में, जहां आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, आपका व्यापार है, पूर्व दिशा में लगाकर के देखिए। आपको 21 दिन में जो भी परेशानी चल रही होंगी आपके व्यापार में, बिजनेस में, वो खत्म हो जाएगी। अब यदि आप घर में लगा रहे हैं, तो घर में भी आपको क्या करना है, इसको पूर्व दिशा में लगाना है। तो इससे दोस्तों आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी, और साथ में एक उत्साह की एनर्जी जो होगी वो प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, और घर के सभी सदस्यों की तरक्की होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों यशोदा मैया के साथ में जो कृष्ण भगवान बैठे रहते हैं। अगर घर में माता और बेटे के बीच में प्यार नहीं है, बट बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है, गलत संगति में पड़ा हुआ है, माता पिता की बात नहीं मानता है, तो आपको इस तस्वीर को जहां पर आप अपने बच्चे के साथ रहते हैं, अपने ड्राइंग रूम में पूर्व दिशा में, पूर्व या उत्तर दिशा में इस तस्वीर को लगाइए। कुछ ही दिनों में इसका आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, आपके बच्चे के जो बदले हुए व्यवहार होंगे वो सही हो जाएंगे। माँ बेटे में से प्यार बढ़ने की एनर्जी आती है, तो यदि माँ बेटे में यदि प्यार नहीं है, तो आप इस तस्वीर को पूर्व दिशा में अपने घर के या उत्तर दिशा में यहां पे लगा लीजिए, माँ बेटों में अतः प्रेम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप इस तस्वीर को अगर आप गर्भवती महिला है तो अपने कमरे में लगाइए, और जितना ज्यादा हो सके इसको हमेशा देखिए। और आपके घर में यदि छोटा बच्चा है,
तो भी आपको ये तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसकी एनर्जी जो निकलती है ये आगे चल करके बच्चे के लिए, माँ और माता और बेटे के लिए जो प्रेम रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यदि गर्भवती महिलाएं आप और यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये तस्वीर अपने घर में पूर्व या उत्तर दिशा में जरूर लगाएं। अब बात करते हैं दोस्तों तैरते हुए राजहंस की तस्वीर। तैरते हुए राजहंस की तस्वीर आपको घर के उस दिशा में या उस कक्ष में लगाना है जहां पर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं। जहां पर आप गेस्टों को यदि रोकते हैं या गेस्ट को बैठाते हैं तो वहां पर तैरते हुए राजहंस की एक तस्वीर ऐसी लगाएं कि जब भी आपके यहाँ कोई अतिथि आता है या कोई गेस्ट मेहमान आता है तो उसकी नजर उस पर पड़े। ये दोस्तों आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ में धन की वृद्धि करेगा, धन के मार्ग को खोलेगा। ये तस्वीर आपको बस ऐसी जगह लगाना है कि जैसे कोई अगर आपके यहाँ मेहमान आता है तो उसकी नजर, उसका फोकस एकदम से उसमें पड़ना चाहिए। अगर एकदम से भी नहीं पड़ रहा है तो आप कुछ ऐसी जगह लगाएं कि मतलब घूम फिर के, मतलब जो भी मेहमान अगर आता है आपके यहाँ तो उसकी नजर उसमें पड़नी ही चाहिए। अगर ऐसी जगह आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनने लगेंगे और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। तो इसलिए आपको अपने घर के अतिथि कक्ष में या गेस्ट जहां आपके रुकते हैं या रोकते हैं आप उनको, वहां पर लगाइए तस्वीर को और फिर देखिए इसका चमत्कार आप जिंदगी में। महाभारत की कोई भी तस्वीर या कोई भी पुस्तक कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में है तो तुरंत ही इसको विसर्जन कर दें, कहीं घर से बाहर कर दें, क्योंकि घर में रखने से इससे हमेशा नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। क्योंकि महाभारत की कथा में आपने खुद देखा है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अगर ऐसी तस्वीर या ऐसी किताब आप अगर घर में रखेंगे तो ऐसी ही एनर्जी आपके घर में प्रवाहित होने लगेगी और घर के हर सदस्यों में हमेशा लड़ाई झगड़े कलह होती रहेगी। तो अगर आपने तस्वीर लगाई हुई है महाभारत की या आपने पुस्तक लिखी हुई है महाभारत की तो इसको तुरंत ही घर से बाहर कर दें, क्योंकि इससे हमेशा घर में कलह होता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों ताजा फूलों की तस्वीर या फिर ताजा फूल भी। अगर ताजे फूल अगर आप घर में लगाते हैं तो इससे पति पत्नियों में अगर प्रेम जो होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव है तो आपको क्या करना है, अपने बेडरूम में आपको ताजा जो फूल होते हैं, आप फूल रेड येलो और साथ में व्हाइट, इन कलर के फूलों को लेकर के और अपने बेडरूम में लगा लें। और अगर हो सके तो आप ताजा फूल ही अगर घर में लगाते हैं, गुलदस्ते वगैरह लगाते हैं, तो इससे पति पत्नी में जो होता है प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बहते हुए झरने की तस्वीर। अगर आपने बहते हुए घर के घर बहते हुए झरने की तस्वीर अगर घर में लगाई है तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे धन हानि होती है और इससे मन जो होता है अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये तस्वीर आपने लगाई हुई है तो आपको बिल्कुल तुरंत ही हटा देना है। घर में ऐसी कोई भी तस्वीर ना रखें जिसमें झरना या फिर जो बहते हुए जल की तस्वीरें हैं, इनको हटा दें, आप ना लगाएं इनको घर में, नेगेटिव एनर्जी का संचार करते हैं। अब एक सबसे बढ़िया बात दोस्तों कि आपके घर में जितने भी लोग हैं परिवार में हैं तो आप लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण या पश्चिम दिशा में इस तस्वीर को आपको लगाना चाहिए। आपके जितने भी परिवार के लोग हैं तो सब एक ऐसी तस्वीर आप लोग निकलवा लें जिसमें परिवार के सभी सदस्य जो हैं हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खिलखिला रहे हो, इस टाइप की एक बड़ी सी फोटो निकलवा लें, इसका पोस्टर बनवा करके अपने घर की पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में इसको लगा लें। इससे परिवार में जो होगा, जो प्रेम संबंध जो होंगे बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों शंकर जी के नटराजन स्वरूप की। शंकर जी का जो नटराजन स्वरूप है इसकी मूर्ति या फोटो घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि भगवान इसमें तांडव कर रहे हैं और तांडव स्वरूप ये मूर्ति या तस्वीर घर में रखी जाती है तो घर में विनाशकारी जो एनर्जी होती है उसका संचार होने लगता है और घर जो है परिवार टूटने लगता है। विनाशकारी जो होती है परिस्थितियां, वैसी परिस्थितियां आने लगती हैं। तो आपके घर में यदि कोई भी ऐसी तस्वीर है, किसी भी चीज में हो दोस्तों, पेपर में भी है, फोटो में है, पोस्टर में है, कहीं भी, आपको भगवान नटराजन की फोटो या मूर्ति घर में नहीं रखनी है। अगर है तो इसको तुरंत घर से हटा दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों माता सरस्वती की तस्वीर की। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई करता है, उसका स्टडी रूम है, तो आप उसको उत्तर दिशा में माता सरस्वती की तस्वीर लगा दीजिए। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं एक युद्ध की तस्वीर। अगर दोस्तों युद्ध की तस्वीर घर में लगाई जाती है तो युद्ध की तस्वीर कभी भी घर में ना लगाएं, क्योंकि इससे हमेशा नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है और इससे विनाशकारी परिस्थितियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है या कोई अपने ड्राइंग वगैरह है तो इसको घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे हमेशा नेगेटिव एनर्जी निकलती है और घर के परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, प्रेम संबंध कमजोर हो जाते हैं। ऐसी कोई भी तस्वीर घर में युद्ध वाली या लड़ाई वाली घर में ना रखें और ना कभी लगाएं। बात करते हैं दोस्तों भगवान धनवंतरी की, यानी कि कुबेर भगवान की तस्वीर। अगर आपकी जिंदगी में धन से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए हुए हैं वो वापस नहीं मिल रहा है, या आपकी जिंदगी में मनी ब्लॉक हो चुका है या कर्ज की समस्या है,
तो इसके लिए आपको धन्वंतरी भगवान की एक हाथ में कलश लिए हुए जो अपने दोनों हाथ में कलश लिए हैं और धन की वर्षा कर रहे हैं अपने कलश से, ऐसी एक फोटो आप लेकर के आइए अपने घर में। और ये फोटो आपको लगानी है घर के उत्तर दिशा में, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है। तो अपने पूजा स्थान में भी लगा सकते हैं आप, पूजा स्थान अगर आपका उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा में लगा लीजिए और इनकी डेली पूजा करिए। तो ये लगाने से दोस्तों आपके घर में धन से संबंधित जो परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं माता अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा माता और माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको हमेशा अपने रसोई में लगानी चाहिए और साथ में इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जब भी सुबह शाम जब घर में आती हैं तो सबसे पहले रसोई में आती हैं। रसोई आपकी अगर स्वच्छ है तो माता रानी का आशीर्वाद रहता है। और अन्नपूर्णा माता की यदि फोटो आप यदि अपने घर में लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, अपने रसोई में, तो माता अन्नपूर्णा का आपको आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। आपको जिंदगी में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आएगी, जो धन के घर अनाज के जो भंडार हैं वो हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन फोटो सिर्फ लगाकर आपको दोस्तों छोड़ना नहीं है। अगर आपने फोटो लगाई है माता लक्ष्मी की और अन्नपूर्णा की अगर अपने किचन में, तो इनकी डेली धूप बत्ती भी कर दिया करें। धूप बत्ती नहीं है तो सिर्फ थोड़ा सा धूप जरूर दिखाया करें। इससे क्या होगा कि जो एनर्जी जो निकलती है तस्वीरों से ये और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और स्ट्रांग एनर्जी निकलेगी। तो आपकी जिंदगी में धन और अनाज की कभी जिंदगी में कमी नहीं आएगी, धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अब बात करते हैं रोते हुए बच्चे की तस्वीर। काफी लोग क्या करते हैं कि रोते हुए बच्चे की तस्वीर घर में ले आते हैं और लगा लेते हैं। तो रोते हुए बच्चे की तस्वीर कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो रो रहा है, वो टेंशन में है, और वही एनर्जी निकलेगी तो आपकी जिंदगी में भी टेंशन आना शुरू हो जाएगी। आप दिमागी रूप से हमेशा परेशान रहने लगेंगे। तो हमेशा कभी भी ऐसी फोटो लगाएं तो हमेशा खुशहाली वाली, एनर्जी वाली फोटो लगाएं, जिसमें हमेशा कोई भी अगर फोटो लगा रहे तो बच्चा खुश हो, हंस रहा हो, खेल रहा हो, ऐसी तस्वीरें आपको लगानी चाहिए। अब बात करते हैं किसी भी जंगली जानवर की। अगर आप किसी भी जंगली जानवर की फोटो या सीनरी घर में लगाते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है आपका व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाता है। तो कभी भी जंगली जानवर की फोटो अपने घर में तस्वीर सीनरी कभी ना लगाएं, अगर लगाई है तो आज ही निकाल करके अलग कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है या मूर्ति है तो आप काफी लोग क्या करते हैं कि खड़े स्वरूप में माता रानी की फोटो ला करके या मूर्ति ला करके रख लेते हैं। सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जो स्वभाव जो होता है वो चंचला होता है, वो कहीं भी स्थिर नहीं होती है, एक जगह कहीं रुकती नहीं है। तो आप लोग ऐसी तस्वीर ना लाएं। जो माता लक्ष्मी की सही तस्वीर जो होती है वो ये होती है, मैं आपको बता रहा हूं कि माता रानी कमल के पुष्प में विराजमान हो। अगर ऐसी तस्वीर आप घर में लाते हैं और लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। कभी भी अगर तस्वीर ला रहे हैं या मूर्ति ला रहे हैं तो माता रानी जो माता लक्ष्मी की तस्वीर जो होती है वो कमल के आसन में बैठी हो, साथ में उनकी साड़ी लाल लेकिन ब्लाउज हरा होना चाहिए। और जो हाथी जो होते हैं गज, माता गज लक्ष्मी जो कही गई है वो स्थिर लक्ष्मी कही गई है। गज रूप में जब भी माता रानी किसी घर में आती हैं तो स्थिर हो जाती हैं। तो हमेशा जो दो हाथी जो होते हैं गज होते हैं उनका कलश से अभिषेक कर रहे हो, ऐसी तस्वीर आप को ला करके या मूर्ति ला करके घर में अपने स्थापित करनी है और उनकी पूजा करनी है। इससे माता रानी माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी की जो चंचला स्वभाव है वो भी खत्म होकर के स्थिर हो जाएंगे आपके घर में। अब बात करते हैं दोस्तों राधा कृष्ण की तस्वीर की। राधा कृष्ण की तस्वीर हमेशा अपने बेडरूम में लगाएं। पति पत्नी का जो संबंध होते हैं अगर मजबूत नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये प्रेम संबंध मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं लव बर्ड की। लव बर्ड जो होते हैं अगर न्यू दंपत्ति है, नई नई शादी हुई है, तो इनको लव बर्ड की फोटो हमेशा अपने शयन कक्ष में लगानी चाहिए। अब दोस्तों एक बात करते हैं ताजमहल की। काफी लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए ताजमहल की फोटो ले आते हैं और सीनरी लगा देते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि वो एक कब्रगाह है, वहां पे किसी कब्र की निशानी है, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का ही संचार करती है। तो यदि आप ताजमहल की फोटो यदि घर में लगाते हैं तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि एक कब्रगाह की निशानी है और एक उससे जो एनर्जी निकलती है वो नेगेटिव ही निकलती है, तो इससे भी घर में बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो अगर आपने ताजमहल लगाया हो तो उसको तुरंत निकाल दें और जो जो तस्वीरें मैंने जिस तरीके से बताया है उस दिशा में लगाइए, फिर देखिए आपके घर में सब पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। क्योंकि कभी कभी हम अपनी गलतियां करके ही मुसीबत मोल ले लेते हैं, हमें जानकारी नहीं होती है, बिना जानकारी के हम कहीं भी कुछ भी लगा लेते हैं और जो एनर्जी निकलती है तो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती है। दोस्तों जो भी जानकारी मैंने दी है इनको आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी परिस्थितियां सुधरना शुरू हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मैंने जानकारी दी है ये आप करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली आप।
और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।